बाद हरियाणा जीवन आधार पानी हुआ जहरीला। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाए चेतावनी बोर्ड। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी के किनारे चल रहे अधिकांश ट्यूबवेलों का पानी पीने लायक नहीं है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाए चेतावनी बोर्ड। लिखा गया, घग्गर नदी किनारे ट्यूबवेलों का पानी पीने लायक नहीं है। जल को जीवन का मुख्य आधार माना गया है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर यही जल जहरीला हो जाए तो सोचो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ फतेहाबाद के घग्गर किनारे लगे ट्यूबवेलों के साथ। ट्यूबवेलों से जहरीला पानी निकल रहा है। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड ने बकायदा यहां चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों को इन ट्यूबवेलों के पानी को प्रयोग न करने की हिदायत दी है। दरअसल हरियाणा के फतेहाबाद से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी प्रदूषण को लेकर इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। प्रदूषित पानी के कारण हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने फतेहाबाद के रतिया व जाखल क्षेत्र में घग्गर नदी किनारे 13 जगहों पर ट्यूबवेल पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। जो हरियाणा के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो जेल लगाए हैं सूचना पट जगह जगह पर पानी जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये पीने योग्य नहीं है। वैसे तो ये घग्गर नदी जहाँ से गुजरती है हिमाचल से लेकर राजस्थान तक सभी पूरे इलाके का पानी ग्राउंड वाटर इतना पोल्यूट हो चुका है। इस पर उस ट्यूबवेल का पानी पीने लायक न होना लिखा गया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमें हर 3 माह बाद उप ट्यूबवेलों के पानी के सैंपल लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने सूचना पट घग्गर नदी के 500 मीटर के दायरे में लगाए इन जगहों पर लगाए गए हैं चेतावनी बोर्ड। रतिया के बुढ़लाडा रोड स्थित सर्विस स्टेशन, कवलगढ़, बब्बनपुर रोड रतिया, चांदपुरा रोड रतिया, साधनवास नाली रोड ढानी, साधनवास गांव व तलवाड़ी में 1-1, नडैल रोड जाखल में 3 जगह व तलवाड़ा में कूला रोड व घग्गर के किनारे ट्यूबवेल पर लगाए गए। ये है मामला। पिछले दिनों घग्गर में बहने वाले पानी के साथ साथ नदी के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में खेतों में लगे निजी ट्यूबवेल के भी भूमिगत पानी के सैंपल लिए थे, जिसमें घग्गर के आसपास जमीनी पानी सही न होने की रिपोर्ट सामने आई। कि लोगों को कैंसर, हेपेटाइटिस सी और बहुत गंभीर बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है, परंतु सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रही। घग्गर नदी को प्रदूषित मुक्त करने का कोई मतलब योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं कर रही। और अब प्रदूषण बोर्ड ने जो पट लगाए हैं वो नामात्र सिर्फ एक खाना पूर्ति है। इससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मतलब लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली जब तक ये घग्गर नदी के पानी का निकासी का और इसके प्रदूषण का समाधान नहीं होगा। प्रदूषित पानी की वजह से फैली बीमारियां, कभी घग्गर नदी लोगों के लिए जीवनदायिनी मानी जाती थी, लेकिन अब प्रदूषित पानी के कारण काफ़ी बदनाम हो चुकी है। नदी के प्रदूषित पानी के कारण रतिया, टोहाना व जाखल इलाके में हेपेटाइटिस सी जैसी भयंकर बीमारी भी फैल चुकी है, जिसका इलाज करवाने के लिए इन इलाकों के लोग चंडीगढ़ व रोहतक PGI के चक्कर काट रहे हैं। 15 जुलाई को जिसमें ये प्रदूषण के समस्या पर और पानी की जल की समस्या पर और नशे की समस्या पर नौजवानों से और युवाओं से बातचीत की जाएगी और देश प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने का प्रोग्राम बनाया जाए और इसको लेकर शहीद भगत सिंह नौजवान सभा आने वाली। कंचन TV के लिए फतेहाबाद से दिनेश भारती की रिपोर्ट।